अगले साधक हैं राघवेंद्र सिंह गाजियाबाद से। इनका प्रश्न है, गुरु जी ध्यान में हमारी भस्त्रिका चलती है, त्रिबंध लगता है, कभी कभी त्रिबंध में ही भस्त्रिका चलने लगती है, मूलाधार में गर्मी रहती है, प्राण कंठ तक आता है। आपने बताया ध्यान में हमारी भस्त्रिका चलती है। हाँ, साधक की एक ऐसी अवस्था होती है कि ध्यानावस्था में अपने आप भस्त्रिका चलने लगती है। ये एक अच्छी पहचान है, इसका मतलब है कि आपकी साधना चल रही है, यानी हो रही है, और अच्छी बात है, आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अपने आप जब भस्त्रिका चलने लगे तो इसका एक और सूचक होता है कि उस समय जितनी शुद्धता आपके चित्त में होनी चाहिए, चित्त मन या शरीर में होनी चाहिए, उतनी शुद्धता नहीं है, इसलिए भस्त्रिका चल रही है ताकि उतनी शुद्धता हो सके। इसका कारण यह है कि हो सकता है कि कुंडलिनी शक्ति ने अपनी आंखें खोल दी हों और आपके अंदर यानी चित्त में उतनी शुद्धता नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए उसके कारण भस्त्रिका अपने आप चल रही है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं जब तक जान न लूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि कुंडलिनी ने आंखें खोल दी, लेकिन होता है कभी कभी। कुल मिलाकर के आपकी साधना अच्छी चल रही है, त्रिबंध भी लगता है, एक बहुत अच्छी बात है। जब ये तीनों बंध लगते हैं तो प्राणों का दबाव तो बढ़ेगा ही, मूलाधार पर भी और क्या कहते हैं नाभि पर भी। तो त्रिबंध लगने पर जो ये उद्यान है और उद्यान लगेगा तो मूलाधार में दबाव पड़ेगा, तो कुंडलिनी जागृत होने में सहायता मिलती और प्राणों का दबाव भी ऊपर की ओर के लिए होने लगता है। मूलाधार में गर्मी रहती है, हाँ आपने आगे लिखा मूलाधार में गर्मी रहती, बिल्कुल रहेगी। जब त्रिबंध लगेगा यानी उद्यान बंध लगेगा तो प्राणों का दबाव मूलाधार चक्र पर होगा, तो उसके कारण आपको गर्मी लगेगी। आपने कहा कि प्राण कंठ चक्र तक आता है, एक अच्छी बात है, आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आपका प्राण कंठ चक्र तक आता है, फिर भी आपको तीनों बंध लगते हैं और भस्त्रिका भी चलती है और मूलाधार गर्म भी होता, तो एक ये बहुत अच्छी बात है। अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर ये सब सही ढंग से और यानी व्यवस्थित ढंग से हो रही है, इसका मतलब है कि कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र में शिवलिंग के ऊपर 3.5 चक्र लगाए हुए होते विद्यमान रहती है, तो हो सकता है उसकी आंखें खुल गई हों। वहीं से संबंधित कुछ है, कुछ ऐसे जो आपने लिखा ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं। तो आप साधना बढ़ाते रहें तो वहाँ गर्मी अभी और बढ़ेगी, धीरे धीरे जब साधना यानी जब ज़्यादा होगी तो कुंडलिनी जागरण का हो सकता समय आ जाए, तो आप किसी अच्छे मार्गदर्शक के पास जाना, जब उचित समय होगा तो आपको शायद और महसूस हो और कुंडलिनी उल्ट करवा लेना। ऐसी अवस्था में आपको 2.5 से 3 घंटे साधना करनी चाहिए, कम से कम 2 बार प्राणायाम करना चाहिए, कुंभक की अवधि 1.5 मिनट के लगभग होनी चाहिए, आंतरिक कुंभक के लिए मैं कह रहा हूँ, और भस्त्र का प्राणायाम भी करें। सुबह और शाम दोनों बार प्राणायाम होना चाहिए। ये आपके जो अनुभूति है वो कुल मिलाकर के अच्छी है, आप कहीं भी रहें आप साधना को भी समय दें, आपका मार्ग आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त होने के लिए तैयार है, लेकिन ये तभी आप साधना करते रहें, आप अपने विचारों में शुद्धता लाएं, मंत्र जाप भी करें और अवधि जितनी हो सके ज़्यादा बढ़ाएँ। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.